तो भाई लोगों, मूवी रिव्यू करने से पहले थोड़ी बात हिस्ट्री की करनी जाए। आफ्टर 1949 आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को कुछ ऐसे स्पेशल टेम्पररी पावर दिए गए थे जो बाद में परमानेंट होते गए, लाइक अपना संविधान, अपना झंडा और अपने यहाँ के और भी स्टेटस, स्पेशल स्टेटस वगैरह। लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के इस स्पेशल स्टेटस को, इस पावर को खारिज कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से उस टाइम पर उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक था, एक ऐसा कदम था जिससे सिविल वॉर के फुल चांसेस थे। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने इसको मेंटेन किया और जो बहुत ही ईजी देखने को लग रहा था, लेकिन इसके पीछे जो भी कहानी थी वो इतनी आसान नहीं थी। और इसे हटाने का आखिर कारण क्या था, इस पे और भी ऐसी क्या चीजें थी कि इसको हटाना इतना जरूरी हो गया था, बहुत सी सारी बातें थी जो इस मूवी के जरिए इसमें बताई गई है। तो भाई मूवी रिव्यू करेंगे अभी आर्टिकल 370 में का, क्या आपको मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। उससे पहले क्या करना है, वीडियो पे एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मूवी स्टार्ट होती है एक वॉइस ओवर से, किसकी, अजय देवगन की वॉइस ओवर से, जो कहानी को नरेशन देते रहेंगे। मूवी में स्टोरी राइटिंग की मैं कहूंगा ना बहुत ही ज्यादा पावर है। एक बार के लिए उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक वाली वाइब दे के जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्टर, जो राइटर है वो उसके भी राइटर है। दूसरा कि यार आर्टिकल 370 ये इतना भारी भरकम मुद्दा है और इसमें इतना ज्यादा वजन है और इसी को बहुत ही फोकस करके दिखाएंगे, तो जो सामने आसपास इर्द गिर्द इसके जो चल रहे हैं उससे कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी और एक बार के लिए चीज अटपटी लगने लग जाएगी। तो इस पे बड़ा ध्यान दिया है कि जो भी चीज दिखाई जाएंगी इक्वली वेल मेंटेन तरीके से दिखाई जाएंगी। देन उसके बाद अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई यामी गौतम ने फाड़ के डाला है, जबरदस्त काम किया है। NIA एजेंट हैं, पावरफुल इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं जिनके पास फुल पावर है, और मेन लीड में होने के बाद जो काम उनसे एक्सपेक्ट करा था वो जबरदस्त किया है। साथ में प्रिया मनी भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जो अगेन मैं कहूँगा सेकंड मेन लीड एक्ट्रेस थी। अगर आपने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी है तो अगर आपको परेश रावल का वो कैरेक्टर याद है तो प्रिया मनी का भी सेम कैरेक्टर यहाँ पर है और वही रोल ये यहाँ पर प्ले कर रही हैं, मतलब होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ऑफ PMO जो वो रोल प्ले कर रही हैं। साथ में अरुण गोविल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रोल प्ले किया है, जो जबरदस्त किया है। मतलब उनको कॉपी ना करने की वजह से जो अपना एक्टिंग का माफिया होता है वो बाहर निकालने की कोशिश करी है, जो बेस्ट लगी है। दूसरा होम मिनिस्टर अमित शाह की एक्टिंग किरण कर्माकर जी ने करी है, उन्होंने भी दमदार किया है। लेकिन जो पार्लियामेंट वाला सेशन था वो थोड़ा अटपटा लगा, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, वो बिल्कुल ऑकवर्ड जैसी सिचुएशन कर दी, क्योंकि अमित शाह की जो एनर्जी थी वो पार्लियामेंट वाले सेशन में भाई उसको मैच बिल्कुल नहीं कर पाया। और ऐसे टॉपिक पर मैं कहूंगा कि भाई बहुत डिटेलिंग और इन्फॉर्मेशन पर काम करा जाता है, बहुत टाइट काम किया जाता है। दूसरा, इन सारी इन्फॉर्मेशन को इतनी बेहतरीन तरीके से स्क्रीन प्ले में दिखाना जो इजी टू अंडरस्टैंड हो पब्लिक को, बिल्कुल कनेक्ट करे, और यस ये काम सफल होते नजर आया है। बाकी बात अगर एक्शन की करें तो भाई साहब एक्शन डायरेक्टर ने भी मेहनत करी है और कड़ी मेहनत करी है, क्योंकि चाहे आप गन बैटल ले लो, भाई उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक की वाइब देके गया, अगेन मैं फिर कहूंगा। देन उसके बाद सिंगल कॉम्बैट ले लो, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, फिजिकल फाइट, ये सारी चीजें दमदार थी। एक और भाई, ऐसे छोटे मोटे बजट में VFX एंड विजुअल इफेक्ट का उतना अच्छा रोल नहीं होता है, लेकिन जिस हिसाब का बजट है उस हिसाब से इसमें VFX में बहुत अच्छा काम किया है। लाइक जो बॉम्ब सीन थे, बॉम्ब फटने वाले सीन, वो एक बार के लिए रियलिस्टिक लग रहे थे। बाकी ऐसी मूवीज में जो एक बार के लिए देशभक्ति की भावना देकर जाती है, इसमें म्यूजिक एंड BGM का बहुत ज्यादा रोल होता है और की रोल इसी का ही था, क्योंकि ऐसे टाइम पर जो ग्राफ्स होता है वो हाई एंड डाउन जाते रहते हैं, इमोशनली में कौन सा BGM डालना है जो बिल्कुल कनेक्ट करे और लोगों की आंखें तक गीली हो जाए, उस हिसाब के BGM। देन उसके बाद एक्शन में किस हिसाब का वो एनर्जेटिक BGM डालना है वो दमदार, तो भाई इस पार्ट में ये दिल लूट के ले गया है। तो भाई मूवी ओवरऑल मैं कहूंगा दमदार है, जबरदस्त है, और इससे जुड़ी बहुत सी बातें आपको पता चलेंगी, क्योंकि आर्टिकल 370 जब ये हटाया गया था लग रहा था कि बहुत इजी है, लेकिन भाई इसके पीछे कितनी जद्दोजहद हुई है ग्राउंड लेवल पर, जहां पर लोगों को वो पता नहीं था। तो इस मूवी से आपको काफी कुछ पता लग जाएगा कि जो इतना आसान दिख रहा था इतना आसान था नहीं, और उसे हटाना क्यों जरूरी था उसका भी रीजन आपको पता चल जाएगा। बाकी मूवी देखो, यहाँ पर कुछ स्पॉइलर देना चाहूंगा नहीं, मैं मूवी दमदार है, मैं देना चाहूंगा इस मूवी को 3.5 out of 5 star। आप लोग जरूर जाओ देखो, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।